Hello friends, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is ladder logic of PLC. You will know what is PLC. मैंने इसके पहले की वीडियोस में PLC को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ PLC भी एक्सप्लेन किया है, देन स्कैन साइकिल ऑफ PLC और नीड्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। ये सब वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप वो देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है और उनसे ही रिलेटेड लैडर लॉजिक ऑफ PLC ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे, हमने स्कैन टाइम और रिस्पांस टाइम क्या होता है ये भी समझा है, टाइप्स ऑफ PLC भी देखे थे हमने, कॉम्पैक्ट PLC एंड मॉड्यूलर PLC उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा है, एप्लीकेशन ऑफ PLC भी हमने देखा है लास्ट वीडियो में। सो आज हम देखते हैं कि लैडर लॉजिक क्या है। PLC प्रोग्रामिंग भी हम देख चुके हैं कि टेक्सचुअल एंड ग्राफिकल फॉर्म में होती है, तो ग्राफिकल फॉर्म के थ्री टाइप होते हैं और टेक्सचुअल लैंग्वेज के टू टाइप्स होते हैं। सो उसमें का ये लैडर लॉजिक, तो लैडर लॉजिक होता क्या है। सो लैडर लॉजिक इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ PLC प्रोग्रामिंग। लैडर लॉजिक क्या है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म का PLC प्रोग्रामिंग है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिले लॉजिक, इसको हम रिले लॉजिक भी कह सकते हैं। द रिले कॉन्टैक्ट यूज इन रिले कंट्रोल सिस्टम्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग लैडर लॉजिक। जो कि रिले कॉन्टैक्ट यूज होते हैं रिले कंट्रोलर सिस्टम में, उसे हम लैडर लॉजिक से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो भी रिलेज होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं सिस्टम में, उसे हम लैडर लॉजिक से रिप्रेजेंट करते हैं। द बिलो फिगर शोज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ लैडर डायग्राम। अब इसके नीचे की जो डायग्राम है वो क्या शो कर रही है, लैडर डायग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं उसे हम रंग कहते हैं और जो वर्टिकल होते हैं उसे हम रेल्स कहते हैं। सो ये हुई हमारी पॉजिटिव रेल, या तो लेफ्ट रेल भी बोल सकते हैं, और ये हुई निगेटिव रेल, या तो हम इसे राइट रेल भी बोल सकते हैं। रंग ज़ीरो से हम इसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे रंग 0, 1, 2, 3 ऐसे जितने चाहे उतने रेल्स हो सकती है, बट हम ज़ीरो से ही काउंट करते हैं रंग को। तो ये हुई हमारी हॉरिजॉन्टल रंग्स एंड वर्टिकल रेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल को हम रंग बोलते हैं और वर्टिकल जो लाइन होती है उसे रेल बोलते हैं। सो ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या है, ये पुश बटन स्विच 1 है और ये इसका लैंप है, ये पुश बटन स्विच 2 है और ये इसका लैंप है। ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर होता है इसे हम PLC लैडर लॉजिक कहते हैं। हम यहाँ पर लॉजिक लगा कर लाइट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट, एक्स और एक्स नॉर, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट आगे। सो ये क्या कहती है डायग्राम, इन द अबोव मेंशन एग्जांपल 2 पुश बटन आर यूज्ड टू कंट्रोल द सेम लैंप लोड, व्हेन एनी वन ऑफ द स्विच इज क्लोज द लैंप विल ग्लो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लैंप जो है ये, इसको हम इस 2 स्विच से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसमें से एक भी पुश बटन ऑन हो गई या क्लोज हो गई तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। द टू हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रंग्स। ये हमने देखा है कि जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसे हम रंग कहते हैं, और जो 2 वर्टिकल लाइंस है कॉल्ड रेल्स, उसे हम रेल्स कहते हैं। एवरी रंग फॉर्म द इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बिटवीन पॉजिटिव रेल एंड निगेटिव रेल। ये जो रंग है, ये ऐसा रंग है, ये कनेक्ट है किसके बीच में, पॉजिटिव एंड निगेटिव रेल के बीच में। देन दिस अलाउज द करंट टू फ्लो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव रेल है, ये क्या करता है, ये अलाउ करता है इसमें से करंट फ्लो होने के लिए, ये क्या करता है, अलाउ करता है। यहाँ पे हमने शॉर्टली समझ लिया कि लैडर लॉजिक क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे PLC लैडर डायग्राम क्या होती है, उसमें क्या क्या होते हैं, कौन से गेट्स होते हैं, सब कुछ हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।